अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1। इसका टॉपिक नंबर 1.8, टॉपिक का नाम है जी डाइमेंशंस। ठीक है, और बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है डाइमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। ये टॉपिक भाई बड़ा इम्पोर्टेंट है, बोर्ड से इसमें से एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन बनता ही बनता है। उसके अलावा भी ये टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये फिजिक्स में बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या वजह है, क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये हमें कुछ चीज़ें कंफर्म करके बताता है कि यार ये चीज़ ठीक है या नहीं है। जैसे हमारे पास साइंस में कुछ लॉज हैं, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम, ये कि यार ये चीज़ें ओबे होंगी तो ये आपका कानून जो आपने नया बनाया ये फुलफिल्ड होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। सेम कुछ डायमेंशंस है, ये फार्मूले को बताते हैं। क्या बताते हैं ये भी हम देखेंगे। अच्छा, डायमेंशन एनालिसिस या डायमेंशंस को समझाने से पहले आपने ये एक नाम सुना होगा, ये जो मैं इधर हाईलाइट कर रहा हूँ, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी क्या थी? ऑल मेजरेबल या एनी मेजरेबल क्वांटिटी इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। और इसकी फिर आगे दो टाइप्स थी। इसके ऊपर बड़ा डिटेल में एक लेक्चर है, वो लेक्चर मैं इधर पिन कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं इजी होके। लेकिन उसका मैं एक ओवरव्यू आपको दोबारा दे देता हूँ। हमने कहा था कि भाई जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। फिर हमने इनके ना दो पार्ट्स, यानी कि इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था, एक बेस थी और दूसरी ड्राइव थी, बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज़। बेस ऐसी थी जो बुनियादी थी, बेसिक थी, और ड्राइव जो इनसे मिलकर बनी थी क्वांटिटी वो ड्राइव क्वांटिटी थी। एक और भी थी सप्लीमेंट्री, लेकिन उन्हें छोड़ दें, एक बार इग्नोर करें। बेस क्वांटिटीज, ऐसा ही सिस्टम ने हमें बेस क्वांटिटीज़ की कितनी तादाद फिक्स करके दी? 1960 में जो ऐसा ही सिस्टम इंटरनेशनल लाया था, उसने 7 बेस क्वांटिटीज़ फिक्स कर दी, जिनमें सबसे ज़्यादा जो हम यूज़ करते हैं वो सीक्वेंस में मैं लिख देता हूँ, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, उसके बाद हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लास्ट में इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, ये देख लें जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, ये 7 नहीं इन्होंने फिक्स करके दे दी थी। ठीक है, इसका मैं ओवरव्यू भी आपको देता हूँ। मास का जो यूनिट है वो है जी केजी, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, करंट का एम्पेयर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल और इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कैंडेला। ठीक है, अब डायमेंशंस क्या होते हैं ये देखते हैं। अब इसको ना मैं एक सिंपल एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। डायमेंशंस आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एक नेचर प्रोवाइड करते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्वालिटेटिव नेचर। देखिए जी, हमारे पास ना दो चीज़ें होती हैं, एक होती है क्वांटिटेटिव, एक होती है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव बताती है मिकदार को, क्वालिटी बताती है कि किस चीज़ से। जैसे कि मेरे पास, मैं बाजार गया, मेरे पास मैंने ना दो बाउल लिए, एक लोहे का बाउल बना हुआ था, आयरन का, एक स्टील का था। तो मैंने पूछा यार क्या प्राइस है, उसने कहा सर जो लोहे का बाउल है वो आपको 100 रुपये का मिलेगा, जो स्टील का बाउल है आपको सेम साइज़ का वो आपको 200 का मिलेगा। मैंने कहा यार क्यों, दोनों का साइज़ तो सेम है। उसने कहा सर जो आप चीज़ देख रहे हो ना, आप क्वालिटी नहीं चेक कर रहे सर, क्वालिटी बहुत कमाल है स्टील की, यानी कि किस चीज़ से वो मिलकर बना है उस चीज़ की खासियत वो क्वालिटी कहलाती है। और मैंने कहा क्वांटिटी, उसने कहा सर क्वांटिटी सेम है, क्वांटिटी के मैं आपसे पैसे नहीं ले रहा, क्वांटिटी दोनों की सेम है, उसके सेम अमाउंट है, बट मैं देख रहा हूँ कि जो क्वालिटी आपने ली है वो स्टील वाली बेहतर है, तो इसलिए मैं स्टील के प्राइस ज़्यादा चार्ज करूँगा आपसे। समझ आई क्वालिटी और क्वांटिटी में? इसका मतलब है डायमेंशंस आपको मिकदार के लिहाज से कुछ नहीं बताएंगे। फिर उसने कहा खसूसियत के लिहाज से बताएंगे कि जिस चीज़ से वो क्वांटिटी मिलकर बनी होगी। मैंने कहा यार ये तो मिलता जुलता कुछ लग रहा है। जब आपने सर एग्जाम्पल दी थी कि भैया आप एक मिठाई वाली दुकान पर गए, मिठाई वाली दुकान पे जाने के बाद आपने कहा यार मुझे एक रसगुल्ला खिला दे, गुलाब जामुन खिला दे, बर्फ़ी खिला दे, उसने कहा लो सर सारी चीज़ें खाने। लेकिन फिर मैंने पूछा, मैंने जाते जाते पूछा, मैंने कहा यार ये तो चीज़ें बनाता किस चीज़ से? उसने कहा सर कुछ भी नहीं, एक खोया लेते हैं, चीनी और उसके बाद यानी कि ऑयल वगैरह और पानी वगैरह। मैंने कहा सारी चीज़ें? उसने कहा जी सर। मैंने कहा यार सारी चीज़ें तो इससे मिल के बनाता है, लेकिन सबके टेस्ट डिफरेंट है, जायके डिफरेंट है, क्या वजह बनी? उसने कहा सर जी
मकदार की अमाउंट, यानी कि ये जो आपके पास है जो क्वालिटी है इसको देखो मैं यूज़ कर रहा हूँ, किसी में मैं कुछ ज़्यादा कर देता हूँ, किसी में कुछ कम कर देता हूँ, तो मेरे पास डिफरेंट तरह की मिठाइयाँ बन जाती है। मैंने कहा अच्छा अच्छा ये वही है, फिजिक्स में बेस क्वांटिटी 7 है लेकिन इनके डिफरेंट मिक्सचर से कुछ नई क्वांटिटीज़ बनती है जिनको हम क्या बोलते हैं ड्राइव क्वांटिटीज। इसका मतलब है कि हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है अगर हम उसकी बुनियाद देखें, बुनियाद मीन उसके डायमेंशंस देखें, तो वो बुनियाद असल में कहाँ पर जाकर लाई कर रही होगी, बेस में। उसने कहा सर वो तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो भी लेंथ से बना मैथ से, नहीं डायमेंशंस ने उन्हें एक नया नाम दे दिया। डायमेंशन ने कहा ईच या एवरी बेस क्वांटिटी इज कंसिडर्ड एज, क्या आप उससे कंसिडर कर सकते हो डायमेंशन, ठीक है, हर बेस क्वांटिटी को आप क्या कंसिडर कर सकते हो डायमेंशन, क्या कब 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 कर सकते हैं, डिनोटेड बाई अ स्पेसिफिक सिंबल। मैंने कहा यार स्पेसिफिक सिंबल क्या, मैथ को हम पूरा मैथ नहीं लिख सकते। उसने कहा नहीं सर इसका एक सिंबल रखना पड़ेगा, वो हम अभी रखते हैं। मैंने कहा अच्छा अच्छा स्पेसिफिक सिंबल आगे क्लोज्ड विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, कब की बात है कि आपने एक इसके स्पेसिफिक सिंबल्स बनाने और फिर उन्हें स्क्वायर ब्रैकेट में कैद करना, तो वो उसके क्या कहलाएंगे डायमेंशंस। और जब मैंने डायमेंशंस की बात की तो मैंने इसका मतलब है कोई भी ड्राइव क्वांटिटी को मैं जब मैं कंसिडर कर रहा हूँ कुछ किसी भी को भी, मैं उसकी बेस में जाऊँगा, बेस में जाने के लिए मैं असल में उसके उन चीज़ों में जाऊँगा जिनसे वो क्वांटिटी मिलकर बनी होगी, वो उस क्वांटिटी के क्या होंगे डायमेंशन, बेस के डायमेंशन क्या होंगे। उसने कहा सर वो तो वैसे ही सिंगल सिंगल है, तो सिंगल सिंगल उसके जो आप उसके सिंबल्स को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखोगे उसका डायमेंशन होगा। मैंने कहा अच्छा मैथ्स का डायमेंशन भाई साहब रखा हुआ है जी, हम इधर लिख देते हैं मैथ्स का है जी कैपिटल एम स्क्वायर ब्रैकेट। लो जी ये मैथ्स का क्या है डायमेंशन, लेंथ का कैपिटल एल, टाइम का कैपिटल टी, टेम्परेचर का के, और कभी कभी इसे थीटा भी करते हैं, ठीक है, करंट का, करंट का इसका यूनिट एम्पेयर ए, एन मोल, कुछ सेम है कुछ डिफरेंट है, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इसको हम जे से जाहिर करते हैं, लेकिन हमारी बुक में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले ये सिर्फ तीन है, ये तीन बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, होते तो ये नीचे वाले भी दो हैं ये वाले, लेकिन मोस्टली जो ज़्यादा यूज़ होते हैं वो लेंथ मैथ टाइम वाले होते हैं, ठीक है, तो ये इनके सीक्वेंस भी ऐसे एम एल टी की फॉर्म में ये यूज़ होते हैं। अब ये यूज़ कैसे होते हैं वो भी देखते हैं। अब मैं लिखता हूँ इधर डायमेंशन, उसने कहा सर अब आपने लिख तो लिया है लेंथ मैथ टाइम, तो आप किसी भी ड्राइव क्वान्टिटी का डायमेंशन निकाल लेंगे कैसे। मैंने कहा हाँ यार इसके लिए तो रोल है, मुझे निकाल पता कैसे चलेगा यार ये मिठाई इन दो तीन चीज़ों से मिलके बनी है, अब लाजमी बात तो नहीं है कि उसके अंदर ऑयल भी डालाओ या उसके अंदर पानी भी डालाओ। उसने कहा फिर उसने कहा सर ये आपको पता चलेगा जब आप उसका फार्मूला बना रहे हो, यानी कि जो रेसिपी है वो, इसका मतलब है कि जिस भी चीज़ के आपने डायमेंशन निकालने हैं उसके लिए आप उसको उसकी रेसिपी बताओ। वो रेसिपी हमारे पास फिजिक्स में क्या होती है, वो फिजिक्स में हमारे पास होती है उसका फार्मूला, यानी कि हमें उसका क्या पता हो फार्मूला पता हो जिस भी क्वांटिटी के हमने क्या निकाल लिया डायमेंशन, यानी कि जिस भी किसी भी ड्राइव क्वांटिटी का डायमेंशन क्या इंडिकेट करे होंगे ये फ्लां फ्लां फिजिकल वो बेस क्वांटिटी से मिलकर बनाए, ठीक है। दूसरी चीज़ उसने कहा सर दूसरी चीज़ ये है कि आप डायरेक्ट हलवाई के पास जाओ और उससे उसके पूछ लो कि उसमें क्या क्या चीज़ डली है और कितनी कितनी डली है, यानी कि उसके यूनिट। अच्छा तो मैंने कहा दोनों तरीक़ों से कर लें ज़रा, पहले तरीके से मैं करके देखता हूँ। सर देखें अभी हमने ड्राइव में पढ़ा था कि जो हमारे पास जो स्पीड है ना जी वो सर v से बनती है, v से, और वो किसके बराबर होती है। उसने कहा सर वो होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ठीक है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अच्छा इससे पहले एक और चीज़ आपको बता दूं, क्वालिटेटिव तो समझ आएगा, क्वांटिटेटिव आपको किसी भी चीज़ में समझा देता हूँ। जैसे कि आप मैथ्स की बात करते हैं, हमने अभी जो पीछे सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़े और वो प्रिसीजन एक्यूरेसी पढ़ी, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया कि मैंने कहा यार मैंने एक चीज़ ली, मैंने उसे एक तकड़ी बट्टे पे तोला तो वो एक किलो आ गया, फिर मैंने उसे छोटी अमाउंट पे तोला तो वो ग्राम में आ गया, फिर छोटी अमाउंट में फिर मैंने उसे तोला तो वो नैनोग्राम में आ गया, फिर माइक्रो में, इस तरह। देखो हर जगह चीज़ एक ही चीज़ है, क्या है मैथ, बट
वो मैथ्स क्वालिटेटिव नेचर शो कर रहा है, बट क्वांटिटेटिव हर जगह क्या आ रहा है, डिफरेंट। तो डायमेंशंस क्वांटिटेटिव को नहीं शो करेंगे अभी कितना ज्यादा, ये सिर्फ शो करेंगे कि किस चीज से मिलकर बना है या क्या चीज इसके अंदर पाई जाती है। इससे मिलकर बना है, वी डी ओ टी से मिलकर बना है। ये मैं फार्मूले से कर रहा हूँ, यानी कि रेसिपी वाला तरीका यूज कर रहा हूँ। उसने कहा सर जो डिस्प्लेसमेंट होती है ना, ये होती है लेंथ के किसी दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस। तो मैंने कहा फिर इसकी जगह, उसने कहा डिस्प्लेसमेंट की जगह सर आप लिखेंगे एल। इनका अच्छा नीचे टाइम, टाइम आपको पता है वक्त, और वक्त का क्या होता है कैपिटल डी। याद रखें जब भी आप डायमेंशन लिख रहे हो किसी भी क्वांटिटी के, तो उस क्वांटिटी को भी आपने स्क्वेयर ब्रैकेट में से कैद कर देना। तो ये किसके बराबर आ जाएगा एल, ये टी आपको पता है नीचे प्लस का है, इसकी पावर ऊपर जाकर क्या आ जाएगी माइनस वन। इसका मतलब ये बना कि जो वेलोसिटी है वो दो चीजों, दो बेस क्वांटिटीज को इंक्लूड कर रही है, एक लेंथ को और दूसरे टाइम को। दूसरी चीज लेंथ को पॉजिटिव वन की फैक्टर में ले रही है और टाइम को नेगेटिव वन के फैक्टर में, यानी कि उनकी अमाउंट्स भी शो कर रही है कि किस चीज में कितनी ज्यादा क्या चीज इंक्लूड हो रही है। ओवरऑल क्वांटिटी नहीं शो कर रही, जो इधर आता है ना वो ओवरऑल क्वांटिटी नहीं शो कर रही, बस ये बता रही है कि ये चीज इतनी ज्यादा यूज हो रही है, यानी कि रेशो की सेंस में आप कह लो इसे। अच्छा फिर हमारे पास बुक ने एग्जांपल दी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, ठीक है जी, चेंज इन टाइम या टाइम कह लें। इसके डायमेंशन लिखने के लिए इसका स्क्वायर ब्रैकेट में कैद करूंगा वेलोसिटी। इसने कहा सर वेलोसिटी के भी आपने निकाल लें, क्या है एल टी माइनस वन ओवर टाइम के, टाइम के उसने कहा सर टी, तो क्या होगा ये टी नीचे प्लस का ऊपर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का। इनको कंबाइन कर सकता हूं मैथ के मुताबिक, तो ये आ जाएगा एल टी माइनस टू। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। इसका मतलब एक्सेलरेशन दो बेस क्वांटिटी से मिलकर बनी है, देखते नजर आ रहा है एल इज द लेंथ एंड टी इज द टाइम। एल प्लस वन के फैक्टर में यूज हो रहा है और टी माइनस टू के फैक्टर में, ठीक है। अब दूसरी चीज मैं इसको करता हूं किससे, यूनिट से। यूनिट से मैंने कहा यार वो यूनिट थे वेलोसिटी के वो मुझे याद नहीं है, वो मीटर पर सेकंड थे, मुझे फार्मूला नहीं याद। उसने कहा सर आप गौर करें तो जो मीटर है ना वो मीटर लेंथ का यूनिट, और लेंथ के डायमेंशन क्या है एल। इसका मतलब है कि एम की जगह पे मैं क्या लिखूंगा एल। फिर सेकंड, सेकंड किसका यूनिट है टाइम का, तो एस की जगह क्या आ जाएगा टी, और माइनस वन की पावर, वो जो उसकी पावर है वो वैसे की वैसे। तो ये है इसके डायमेंशन आगे कैसे निकाले, बाय यूजिंग यूनिट्स। यानी कि मैंने हलवाई से जाके डायरेक्ट पूछ लिया भी कौन सी चीज कितनी कितनी डली हुई है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के यूनिट आपको पता है वो होते हैं ए इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, तो क्या आ जाएंगे एम की जगह पे एल, और एस की जगह पर आ जाएगा टी, और ये पावर आ जाएगी माइनस टू। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। अब चलते हैं आगे। अच्छा अब हम नेक्स्ट लेते हैं फोर्स को, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं भाई फोर्स के डायमेंशन क्या होंगे। उसने कहा सर फोर्स को ना आप वो रेसिपी वाले तरीके से करें फार्मूला। फोर्स का फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ को स्क्वायर ब्रैकेट में वैसे एम, एम आपको याद हो तो एम की जगह पे क्या आ जाएगा कैपिटल एम, और ए की जगह पर अभी हमने निकाले हैं एल टी माइनस टू। तो ओवरऑल क्या बन जाएंगे एम एल टी माइनस टू इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, ठीक है। उसने कहा सर इसको आप उस तरीके से निकाल सकते हैं वो जो भी आपने बताया था। मैंने कहा हाँ उसे भी निकाल लेते हैं, यूनिट वाला तरीका आप कह रहे हो। एफ इज इक्वल टू, एफ के यूनिट क्या होते हैं भाई न्यूटन, और न्यूटन किसके बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम किसके यूनिट है मास के, और मास का क्या है कैपिटल एम, ठीक है जी, और एम का एल, और एस का टी माइनस टू। तो देखें इससे निकालिए। फिर हमारे पास है और डिफरेंट क्वांटिटीज। दूसरी क्वांटिटी क्या है, हम इधर कंसिडर कर लेते हैं जी वर्क। वर्क आपको पता है दो चीज़ें होती हैं एफ और डी, तो W को लिखेंगे, F को लिखेंगे और D को लिखेंगे। F के क्या निकालने आपने M L T माइनस टू, और D के क्या आ जाएंगे L। तो आप ही ने करें तो क्या आ जाएगा M L का स्क्वायर T माइनस टू, ठीक है जी। फिर हमारे पास एक टर्म है पावर। पावर बराबर होती है W बाई T। देखें ये मैं इधर मैंने आपको फार्मूला से निकाल के दिखाया, इधर यूनिट से, आप इनके भी यूनिट से निकाल सकते हो। प्रैक्टिस करेंगे इजीली आपसे हो जाएंगे, लेकिन यूनिट आपने कौन से लिखने हैं बेस यूनिट्स लिखने हैं जो बेस में इनके आ रहे होते हैं। वर्क के भी निकालने हैं आपने एम एल स्क्वायर टी माइनस टू,
और टाइम के कैपिटल टी पावर इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट, तो क्या आ जाएंगे एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। ठीक है, फिर हमारे पास एक टर्म होती है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बराबर होती है पावर ओवर एरिया। अब पावर जो आई है इसको मैं ऐसे लिखूंगा, पावर के क्या होते हैं अभी निकाल लिया, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ओवर एरिया। एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ। तो इसके एरिया के मैं अलग से कर लेता हूं, लेंथ इनटू विड्थ, विड्थ की विड्थ भी लेंथ में मेजर होते हैं, तो क्या बने एल का स्क्वायर। तो अब आप इसके जगह नीचे इधर पुट कर देंगे इस जगह, अब आपको पता है एल स्क्वायर ऊपर जाकर उसमें से माइनस हो जाएगा, तो इंटेंसिटी के क्या बनेंगे एम टी माइनस थ्री। ठीक है जी, ये आपके पास आ गए इंटेंसिटी के। फिर हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, जिसे आई कहते हैं उसके हैं। फिर इसके अलावा हमारे पास मल्टीपल काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जिनका डायमेंशन अब आप इस ट्रिक को यूज़ करते हुए निकाल सकते हैं। ठीक है जी, अब डायमेंशन क्या बताते हैं यूजेस देख लेते हैं। डायमेंशन आपको छुपी हुई क्या बताते हैं, बेस क्वांटिटी बताते हैं कि ये किस बेस क्वांटिटी से मिलकर बने। दूसरी चीज़ से एक ये भी चीज़ पता लग सकती है कि डायमेंशन एक तरीका होता है जिसे हम बोलते हैं डायमेंशन एनालिसिस, यानी कि डायमेंशन को यूज़ करके हम कुछ काम कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि यह क्या ये चीज़ ऐसे है, उसको बोलते हैं इधर हम एक काम कर सकते हैं, इसे बोलते हैं करेक्टनेस ऑफ फार्मूला। हम किसी भी फार्मूला की करेक्टनेस चेक कर सकते हैं कि भाई ये फार्मूला ठीक है या नहीं। आगे हम एक एग्जांपल भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और प्लस ड्राइविंग का फार्मूला वो तीसरा है। हम इसे ये भी चेक कर सकते हैं कि यार मैंने कहा कि यार मेरे पास ना एक चीज़ है वो फलां चीज़ों पर डिपेंड करती है, अब कितना डिपेंड करती है, क्या वैल्यूज़ हैं वो मुझे नहीं पता, यानी कि मैं उसके लिए एक फार्मूला बनाना चाह रहा हूँ जिसे बोलते हैं हम जनरल फार्मूला। तो जनरल फार्मूला यानी कि कोई भी फार्मूला को हम क्या कर सकते हैं, ड्राइविंग का कौन सा फार्मूला, पॉसिबल फार्मूला जो कि बन सकता है, 100% सही नहीं लेकिन हम ये कह सकते हैं ड्राइविंग का पॉसिबल फार्मूला, इससे हम एक फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है जी, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डायमेंशन एनालिसिस कहाँ पर लागू होगा और कहाँ पर लागू नहीं होगा ये ज़रा देख लेते हैं। डायमेंशंस कौन सी चीज़ के होंगे, ऐसी चीज़ जो बेस क्वांटिटी से मिलकर बनी है उसके डायमेंशन होंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं भी होता। कब नहीं होता, जब हम बात करते हैं रेशो की, रेशो के डायमेंशन नहीं होते। कैसे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है एन है, ये क्या है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसके बराबर होता है सी ओवर वी, यानी कि ऊपर स्पीड ऑफ लाइट नीचे भी स्पीड है लेकिन स्पीड ऑफ लाइट इन एन अदर मीडियम, तो ऊपर भी यूनिट क्या बनेंगे एल टी माइनस वन, नीचे भी क्या बनेंगे एल टी माइनस वन, तो क्या डायमेंशन बनेंगे, कोई डायमेंशन नहीं क्योंकि बेस क्वांटिटी नहीं आगे बचेगी ना, ये आपस में कट जाएंगे तो बेस क्वांटिटी आगे बचेगी नहीं, इसका मतलब है कि रेशियो के डायमेंशन नहीं होते। जैसे कि हमारे पास स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ, यानी कि जो टेंजाइल स्ट्रेन है ओवर ओरिजिनल, चेंज इसके आगे एल ओरिजिनल एल आंसर फिर जीरो। ठीक है, तो रेशो के कोई डायमेंशन नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट नंबर टू, हमारे पास जो बेस क्वांटिटीज़ हैं, जो कुछ बेस क्वांटिटीज़ हैं और कुछ ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं, इनके अलावा एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं। कुछ क्वांटिटीज़ जिन्हें हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ बोलते हैं उनके यूनिट नहीं होते, क्योंकि हमारे पास फार्मूला एस इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाता है एस बाई आर, एस के क्या बनेंगे एल और आर के भी क्या बनेंगे एल, तो ये एल इंटू एल माइनस वन बचेगा, इज इक्वल टू क्या बनेगा कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि नो डायमेंशन। तो ये थीटा है, इसके यूनिट तो हैं, यूनिट रेडियन है लेकिन इसके डायमेंशन नहीं है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर कोई भी बेस क्वांटिटी इधर लाई नहीं कर रही, हमें ये इधर से आइडिया मिल रहा है। तो थर्ड नंबर पे हमारे पास कोई भी प्योर नंबर है, हमारे पास कोई भी प्योर नंबर है उसके भी डायमेंशन नहीं होते। जैसे कि हमारे पास इधर
ये प्योर नंबर है जी पाई, तो पाई के कोई डायमेंशन नहीं होंगे, अयोटा अयोटा के डायमेंशन नहीं होते, जो यानी कि जो हमारे पास अयोटा नहीं होता वो -1 अंडर रूट -1 ये वाला, इसके भी कोई डायमेंशन नहीं होंगे। ठीक है, तो ये था आपका डायमेंशन एनालिसिस। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में बताएं, और साथ ही लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।